गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे क्लास सिक्स से साइंस चैप्टर 9 जंतुओं में और ये पार्ट 8 है, पेज नंबर 97। आपके बुक में टॉपिक है अचल संधि। क्या लिखा हुआ है? देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़, और जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? तो ज्वाइंट का मतलब होता है जहां पास कितने हड्डी मिलते हैं। तो क्या है ना कि हम लोग के शरीर में दो तरह का ज्वाइंट है। एक वैसा ज्वाइंट है मतलब वहां पे दो हड्डी तो जुटे हैं लेकिन वो चल नहीं सकते हैं। नहीं चलने का मतलब है कि वहां पास कोई मूवमेंट नहीं है। तो उस हिसाब से ज्वाइंट को, जोड़ को दो भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे हैं? मतलब जो हम लोग का शरीर है उसमें जोड़ कितने प्रकार के हैं? वैसा जोड़ या वैसे हड्डी जहां पे मूवमेंट होता है, मतलब जैसे मान लो कि केहुनी में, तो यहां पास कौन सा ज्वाइंट है? केहुनी में कौन सा ज्वाइंट है? हिन ज्वाइंट। कंधा में कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट। गर्दन में कौन सा ज्वाइंट है? गर्दन में कौन सा? धुराग। कौन सा? जिसको बोलते हैं हम लोग पाइवोट ज्वाइंट। तो ये जो ज्वाइंट है यहाँ पास मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, केहुनी में मूवमेंट हो रहा है, हिन ज्वाइंट है। शोल्डर में मूवमेंट हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट है। और गर्दन में पाइवोट है, धुराग है। तो वैसा ज्वाइंट जहां पास मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं चल जोड़। क्या बोलते हैं? तो अभी तक जो हम लोग कंप्लीट किए थे तीन टाइप, बॉल एंड सॉकेट, हिन ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट का हिंदी क्या हुआ? कंदुक खलिका संधि। हिन ज्वाइंट का हिंदी क्या हुआ? कब्जा संधि। पाइवोट ज्वाइंट का हिंदी क्या हुआ? धुराग संधि। आप लोग बोलेंगे धुराग संधि कहां मिलता है? धुराग संधि शरीर में कहां मिलेगा? गर्दन में। हिन ज्वाइंट कहां मिलता है? और घुटना में, और टखना में, और हाथ और पैर की उंगली के इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट में। और कंदुक खलिका कहां मिलता है? कंधा में, और कमर में, हिप में, कुल्हा में। ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक है, जो मेन पढ़ना था, वो है अचल जोड़। क्या है? देखिए, चल में एक आगे में वर्ड लगा दिए आ, मतलब जब आ लगा दिए तो उल्टा कर दिए, अपोजिट कर दिए। चल का उल्टा होता है अचल। मतलब जब वैसा ज्वाइंट जहां से मूवमेंट होता है, जहां पे गति होता है, वो है चल। और जहां पास मूवमेंट नहीं होगा उसका उल्टा क्या हो गया? अचल। मतलब वहां पे भी ज्वाइंट है, वहां पास भी दो हड्डी जुटे हुए हैं, लेकिन दो हड्डी जुटने के बाद भी मूवमेंट। तो इसका भी लिखा है अचल जोड़ वे जोड़ होते हैं जिनमें कोई गति। ऐसा नहीं कि वहां पे ज्वाइंट नहीं है, वहां पास भी दो हड्डी क्या है? जुटे हुए हैं। हड्डी दो है, जुटा हुआ है, लेकिन दो हड्डी जुटने के बाद भी कोई गति नहीं है। तो अचल जोड़ को स्थिर जोड़ भी कहते हैं। अचल जोड़ का एक और नाम है कौन सा जोड़? स्थिर जोड़। अब उदाहरण पढ़ेंगे कि कहां कहां पास हम लोग के शरीर में अचल जोड़ होता है। मतलब इंसान के शरीर में, हम लोग के शरीर में वो कौन सा बॉडी पार्ट है जहां पास अचल जोड़ होगा? अधरंभिक। देखिए, पहला एग्जाम्पल है खोपड़ी या कपाल के जोड़। खोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं अस्कल। क्या बोलते हैं? तो अस्कल में देखिए, आपको याद होगा कि पूरा खोपड़ी में कितना हड्डी है? 22। 14 हड्डी फेस में है, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको या पूरे को बोलते हैं अस्कल बोलते हैं। तो कपाल में जो अपर जा, देखिए मुंह खोलिए, नीचे का जो हिस्सा है वो है लोअर जा, बोलते हैं निचला जबड़ा। करिए सके जा, आके तो नीचे का जो हिस्सा है ना, ऐसे मूव करो, थोड़ा सा मूव करो ना, ऐसे कोशिश करो मूव करने का मुंह को। हाँ, तो हो रहा ना मूव? तो कौन सा हिस्सा मूव कर रहा है? निचला। मतलब निचला जबड़ा में मूवमेंट होता कि नहीं होता है? होता है। लेकिन ऊपरा जो ऊपरी जबड़ा है, जो ऊपर का जबड़ा है, वहां पे मूवमेंट होगा? तो जो ऊपरी जबड़ा है, बस करो, जो ऊपरी जबड़ा है और जो कपाल है, यहाँ पास कौन सा जोड़ है? अचल। कौन सा है? अच्छा, ऊपरी जबड़े बता दिए। आपके खोपड़ी में जो खोपड़ी है, खोपड़ी में भी जो क्रैनियल बोन है, 8 जो क्रैनियल बोन है, नाम होता है क्रैनियल, वो अचल जोड़ है। और जो ऊपरी जबड़ा है, क्योंकि जबड़ा दो होता है, निचला और, तो ऊपरी जबड़ा में और खोपड़ी में कैसा जोड़ है? अचल। एक और देखिए, उरोस्थी और पसलियों की पहली जोड़ी। अब आप बोलिए सर पहली क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पसली को बोलते हैं इंग्लिश में रिब्स। क्या बोलते हैं? पसली का इंग्लिश नाम है रिब्स। क्या नाम है? रिब्स। और उरोस्थी बोलते हैं स्टर्नम को। किसको बोलते हैं? अबलिगा पस्टर्नम क्या है? तो हम लोग के छाती में जो यहाँ पास एक हड्डी है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। देखिए, ये जो हड्डी है इसका नाम क्या है? ब्रेस्ट।
ब्रेस्ट बोन। अब बहुत सारे जो पसली हैं इसमें आके जुड़े होते हैं इसे, तो बताइए तो आप लोग कितना जोड़ा होता है जुड़ा हुआ? 12। कितना जोड़ा? 12। अभी हम कम बनाए हैं, ठीक है ना, आगे और हम डिटेल पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में है तो नहीं पढ़ना है, सब कोई जोर से बोलिए। तो इस वाले हड्डी का नाम क्या है? ब्रेस्ट बोन। क्या नाम है? ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती। देखिए तो ये जो लंबा सा हड्डी है यहाँ पास, यहाँ जो होगा ये कौन सा बोन है बोलिए, कौन सा होगा? ढेर सारे इसमें आगे क्या जुटे हुए हैं? पसली। कितना? पसली। तो आप ये जान लीजिए कि पसली टोटल 24 होते हैं। कितना होते हैं? 24। बोलिएगा, अभी आप बोले थे 12 नहीं, क्या बोलते हैं? 12 पेयर, 12 जोड़ा। एक जोड़ा में कितना होता है? दो। तो टोटल जो पसली होते हैं वो होता है 12 पेयर। 12 पेयर का हिंदी होता है जोड़ा, PAIRS। पेयर का हिंदी क्या होता है? जोड़ा। तो एक इंसान के शरीर में कितना जोड़ा पसली होता है? 12 जोड़ा। कितना जोड़ा? 12। आगे जब जाएंगे हायर क्लास में तो सीखिएगा कि ऊपर के जो 7 पेयर हैं उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, नीचे वाले को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। हम समझा रहे थोड़ा थोड़ा, जो ऊपर का 7 जोड़ा है, 7 जोड़ा, उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू मतलब सही, सच्चा, क्योंकि वो आके डायरेक्टली जुड़ता है स्टर्नम में। वो आप आगे सीखिएगा, ठीक है। आप अपने क्लास में इतना याद करो कि हम लोग के शरीर में जो छाती का बोन है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन या बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? दोनों नाम से बोलते हैं, स्टर्नम भी और ब्रेस्ट बोन भी। उसी का हिंदी नाम है उरोस्थि और पसलियों। तो ये जो ब्लू से बनाए हैं वो आपका उरोस्थि है। क्या है? या इंग्लिश बोलेंगे ब्रेस्ट बोन। और पसली ये जो बनाए इस तरह से पीला पीला वो क्या है? पसली। तो टोटल कितना होता है? 24। कितना जोड़ा होता है? 24। कितना जोड़ा? 12। तो उसमें से जो पहला जोड़ा है ना, जो पहला जोड़ा होता है वो है अचल जोड़, मतलब 11 जोड़ा जो है वो मूवमेंट करता है। बात समझ आया? इसमें का जो पहला जोड़ा है उसमें मूवमेंट नहीं, सांस लेते हैं नहीं लगता है पसली भरा रहा है, मूवमेंट लगता ना है, सांस लेंगे तो यहां पास मूवमेंट होता है। तो कितना जोड़ा पसली है? 12। तो उसमें से कितना जोड़ा जो है गति करता है? 11। कितना जोड़ा नहीं करता है? कौन वाला नहीं करता है? पहला। कौन वाला नहीं करता है? उस जोड़ का नाम अचल है। तो कौन वाला जोड़ नहीं करता? कौन जोड़ी? जैसे ऐसे है पहला जोड़ा, ये दोनों मिला के पहला जोड़ा, अच्छा ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा वाला है। अरे बात समझ में, ये दोनों मिला के एक जोड़ा हुआ। तो जो पहला वाला जोड़ा है उसमें कोई मूवमेंट और है दांतों के बीच की जोड़बंदी, जो दांत होता है, जो मैंडिबल्स है, जो दांत होता है उसमें भी जो हड्डी है वो मूव करते। आप लोग कौन क्लास में बोलिए? 6 में। तो 6 में हम 4 एग्जांपल बोले हैं, आप 2 याद कीजिए। मेरा काम है पूरा पढ़ाना। अरे बात समझ में? अब आपको इसमें लगता है कि सर हम 4 में से 2 ही याद कर पाएंगे, तो आप कितना याद कीजिए? 2। पहले इसमें आया जोड़ के बारे में कि जोड़ मतलब कि मैथ का जोड़, यहाँ पढ़ रहे बायोलॉजी में शरीर का। तो शरीर में जोड़ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। शरीर में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2। चल जोड़ और वैसा जोड़, वैसा हड्डी मतलब हड्डी नहीं, वैसा संधि मतलब जहां पे 2 हड्डी मिलते हैं जिनमें गति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चल जोड़। क्या बोलते हैं? या मूवेबल ज्वाइंट। चल जोड़ का इंग्लिश है मूवेबल। और वैसा हड्डी मतलब जहां पे 2 हड्डी जुटे हुए हैं लेकिन मूवमेंट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं।